मैं हूँ सूरज और मैं भी आपका स्वागत करता हूँ ड्रीम प्रॉपर्टी 99 में। पिछले वीडियो में आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए हमने आपके लिए आज लेकर आए हैं 2 बेडरूम हॉल किचन और 1 बेडरूम हॉल किचन का सैंपल, जो कि आप देख सकते हैं ये 2 बेडरूम हॉल किचन है और ये 1 बेडरूम हॉल किचन है। और जानकारी हम आपको और देंगे। और ये कैसा है, मतलब कहाँ पर है ये? अपना नायगांव स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। हाँ, आप फ्लैट ढूंढ रहे हो 2 बेडरूम हॉल किचन, 1 बेडरूम हॉल किचन, वो भी स्टेशन के नजदीक में। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ जो स्टेशन के करीब में, मतलब स्टेशन से आधा किलोमीटर है, ठीक है, आप 1.25 किलोमीटर मैक्सिमम पकड़ लो, तो हम लोग इसको आधा किलोमीटर ही बोलेंगे। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप इसका पूरा एरिया देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो बाहर का एरिया, मैं आपको जी हाँ, पर फ्लोर पे सिर्फ 4 फ्लैट आएगा, जैसा 2 फ्लैट यहाँ पर है तो 2 फ्लैट वहाँ पर है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये बाहर का ये पूरा एरिया देख सकते हो आप फ्लैट के बाहर का, और ये अपना पहला स्टेयर केस है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, इतना बड़ा एरिया पूरा खाली मिलेगा, यहाँ पर कोई फ्लैट नहीं रहेगा इस बाजू उस बाजू। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसका पोजीशन का डेट हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 फ्लैट रहेगा, 2 फ्लैट यहाँ पर है और 2 फ्लैट यहाँ पर है। तो इतना बड़ा स्पेस यहाँ पर, इस स्पेस एक्चुअली ये सोसाइटी का स्पेस है, मैं ऐसे जस्ट बोलता हूँ। यहाँ पर एक आप बर्थडे बना सकते हो, एक किसी का एक छोटा सा शादी का सेलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है इतना 4 फ्लैट के बीच में। और यहाँ पर ये तो डक एरिया है, और यहाँ पर है अपना दूसरा स्टेयर केस, जो पहला स्टेयर केस मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर दूसरा स्टेयर केस है, ये फ्लैट्स है, ठीक है। यहाँ पर आएगा अपना 2 लिफ्ट आएगा इस बाजू में। तो अमृता जी, अभी हम लोग को क्या करेंगे, 2 बेडरूम हॉल किचन का जो सैंपल फ्लैट है वो हम लोग को दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग G+23 माले का टावर है जी हाँ, G+23 माले का बिल्डिंग है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे अपना कमर्शियल रहेगा, उसके ऊपर से बाकी सब रेसिडेंशियल रहेगा। तो दोस्तों अपना स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पीछे ये 2 BHK का फ्लैट, तो आ जाइए। हाँ, तो मेरे पीछे ही है सैंपल फ्लैट 2 BHK का, तो आ जाइए। 2 बेडरूम हॉल किचन, वाओ, ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा, आप बोल सकते हो हॉल इधर भी है और आप बोल सकते हो हॉल इधर भी है, दोनों स्पेस ऑलमोस्ट सेम है। एल टाइप का आपको हॉल मिल जाएगा जी, एल टाइप का काफी बड़ा हॉल है, आप देख सकते हो दोनों स्पेस ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों। मतलब आप चाहे तो ये डाइनिंग टेबल इधर कर सकते हो और सोफा सेट इधर कर सकते हैं, या तो इधर का उधर कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करके आप कभी भी अपने मन पसंद के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो काफी बड़ा हॉल दिखाया अमृता जी आपने। तो दोस्तों साथ में आपको मिल जाता है छज्जा बालकनी, छज्जा बालकनी है, ओके, मतलब छज्जा है, यस। और दोस्तों इसका मैं आपको कारपेट एरिया बता देती हूँ, इसका कारपेट अपना एरिया आ जाता है 613 से लेके अपना 640 तक। हाँ, 613 से लेके 2 बेडरूम हॉल किचन का जो कारपेट है 613 से लेके 640 तक का, yes। हमारे पास अलग अलग वेराइटीज है, और ये काफी बड़ा हॉल था। तो काफी बड़ा आपने हॉल देखा एल साइज का, ओके, और आप ऊपर का फोर सीलिंग भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये फोर सीलिंग करके दे रहे हैं क्या? यस। अच्छा, ये फोर सीलिंग आपको एज इट इज लोग करके दे रहे हैं, ओके। तो आ जाइए दोस्तों, किचन दिखाती हूँ मैं आपको जी। ये पहला मैं ये तो देख लूँ डाइनिंग एरिया। हाँ, ये हमारा डाइनिंग टेबल है, काफी बड़ा स्पेस है यहाँ पर, स्पेस है, इसमें 1-2 कुर्सी और भी रख सकती है। तो दोस्तों ये हमारा आ जाता है किचन, नाइस। किचन में आप देख सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आपको, साथ में आपको मॉड्यूलर किचन। अच्छा, ये 2 प्लेटफॉर्म मिल रहा है, yes। और ये प्लेटफॉर्म के साथ में आपको मॉड्यूलर ट्रॉली मिल जाता है यहाँ पर, और साथ में आपको मिल जाता है ड्राई एरिया बालकनी का, ड्राई बालकनी मिल जाता है। ये ऊपर का कैबिनेट है, ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये शो के लिए बनाया गया है। और बालकनी हम देख सकते हैं ड्राई बालकनी दिया गया है, जो काफी ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब 2.5 फीट का कम से कम मिनिमम ये बालकनी है, 2 से 2.5 फीट का ये बालकनी है। इस तरह से आपका बाहर का ये रहेगा, ये बालकनी का एरिया, तो स्टैंड कर सकते हैं, वेंटिलेशन दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो एडजस्ट फैन का जगह है, और बहुत अच्छा बड़ा विंडो दिया है ताकि आप सामान बहुत इजीली अंदर से बाहर कर सकते हैं।
तो इस तरह से अपना आएगा सिंक, बड़ा काफी बड़ा, ठीक है अपना ये और बेसन। यहाँ पे आपको फ्रिज रखने के लिए जगह मिल जाती है दोस्तों, जी ये हाँ, देखिए काफी फ्रिज रखने अच्छा के लिए है यहाँ पर ऐसा। जगह है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इन्होंने जस्ट अपने तरफ से बना के रखा हुआ है, जैसा देखने के लिए। जैसा ये ओवन यहाँ पर रखा जाएगा, मेरे ख्याल से ओवन का पूरा कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, और पूरा पावर पॉइंट का कोई भी कमी नहीं। आप देख सकते हो स्विचेस, स्विच बोर्ड जो भी है वहाँ पर जगह जगह में स्विच बोर्ड दिया गया है, और पावर पॉइंट का कोई कमी नहीं है, सब जगह कनेक्शन दिया गया है तो और आ बहुत जाइए खूबसूरत दोस्तों, है। मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाती हूँ, वो भी कॉमन बेडरूम। आ जाइए दोस्तों, ये हमारा आ जाता है कॉमन बेडरूम। ओके हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बेड रखा इसको हुआ है। चिल्ड्रन बेडरूम बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से पूरा मतलब अडल्ट बेडरूम भी है, ठीक और है। यहाँ पे टू बेडरूम आपको के नाम पे एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक चिल्ड्रन बेडरूम दे देते हैं और बोलते हैं टू बेडरूम है, जो कि वो टू बेडरूम होता नहीं है, टू बेडरूम वाला। तो ये एक्चुअली टू बेडरूम है, मास्टर तो नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको वॉर्डरोब भी वॉर्ड दिखाई ड्रॉ दे का रहा है, स्पेस है, अंदर हाथ डाल के दिखाएंगे कितना डीप है उसका। हाँ, कम से कम 1.5 फुट का देख सकते मिनिमम, हैं। ये मिनिमम हम आपको बता रहे हैं स्पेस दिया गया है वॉर्ड ड्रॉ का। ये देखिए काफ़ी बड़ा जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको छज्जा बालकनी मिलता है, मतलब बालकनी एकदम बेडरूम को टच ही है। और इस तरह से इसका इंटीरियर किया गया है, आपको जो मिलेगा सिर्फ फॉल सीलिंग मिलेगा, और कुछ कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए आपको सेल्स काउंटर में यहाँ पर आना होगा, तो सेल्स पर्सन आपको पूरा प्रॉपर आपको जानकारी तो देगा। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कॉमन वॉशरूम, जी, ये हमारा कॉमन जो गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं हम इसको, काफी बड़ा वॉशरूम है बहुत बड़ा है दोस्तों, भाई और जैसा वॉशरूम। आपको दिख रहा है सेम वैसे ही मिलने वाला है। हाँ, एक छोटा बेडरूम के साइज का ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है, जो मेरे ख्याल से मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कितना डीप है इसका, ये देखिए स्पेस काफी बड़ा है, वेंटिलेशन दिया गया है। गीजर दे रहे क्या? यस आई गीजर वगैरह आपको दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद हमारा बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब फ्लैट लेते हो तो इन सारी चीजों को मेरे ख्याल से कस्टमर नोटिस नहीं करता है कि क्या क्या दिया, और ये सही बात है, क्योंकि इतना महंगा फ्लैट देते तो ये गीजर वगैरह ये सब इतना मायने नहीं रखता है। तो ये तो आप भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी बिल्डर दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप जब भी आओगे तो बुकिंग करते समय पूछ लेना कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, और एक सादा पेपर में लिखा के भी ले लेना उनसे, ठीक है, ताकि आपके और डेवलपर के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हर एक चीज बात पेपर में अगर एक लिख के लेंगे तो वो और बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा आ जाता है पैसेज, देख हाँ सकते हैं आप। जी, ये है अपना पैसेज, काफी बड़ा पैसेज है। ये जो है पूरा अपना मतलब मुंबई जो सिस्टम है वही सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, मतलब आपको कम बजट में वही लग्जरी फील होगा। ये जो फ्लैट है बहुत अच्छा दिख रहा है और स्पेशियस है, इसका मतलब महंगा नहीं है भाई, ये अपना प्रीमियम फ्लैट आपको बजट में दिया जा रहा है तो काफी, दोस्तों चलते हैं मास्टर बेडरूम में। और इसका डेवलपर भी बहुत अच्छा है, मतलब जगह उनका खुद का है, पूरा कन्वेंस हो चुका है जगह का, फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 1 का CC OC वगैरह सब आ गया है, पब्लिक रहते हैं, और ये फेज 2 लॉन्च हुआ उनका। ये हमारा जाता है मास्टर बेडरूम दोस्तों, ये बालकनी के साथ में। मास्टर बेडरूम है, काफी बड़ा है, आप देख सकते हो स्पेस देख सकते हो दोनों तरफ, और बेड भी सच में बड़ा साइज का बेड रखा गया है यहाँ पर। और ये आपको मिल जाता है वार्डरोब के लिए जगह, जी जी यहाँ जी पे वार्डरोब वॉर्ड्रा का जगह नहीं काफी मिलेगा बड़ा। दोस्तों, आपको जगह मिलेगा। जी, बहुत खूबसूरत फ्लैट है ये, G+23 का है, पहला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरा कमर्शियल रहेगा, और ये भी देख सकते हैं आप। बाकी ऊपर का जो भी रहेगा अपना 21 फ्लोर तक पूरा अपना ये रहेगा, रेसिडेंशियल रहेगा। तो ये रहा अपना वॉशरूम, ठीक है, ये गीजर वगैरह ये सब दे रहे हैं, वो आप आके पूछ लीजिए, ठीक है, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, और आपका जो साइट विजिट है वो रजिस्टर कीजिए, और आपको स्टेशन से पिकअप ड्रॉप मिल जाएगा, स्टेशन से वॉकेबल है, लेकिन आप इतना तकलीफ मत उठाइए, फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम आपको पिकअप के लिए गाड़ी भेज देंगे स्टेशन पे। ये दोस्तों इसका फ्रिज, इसका
प्राइस अभी अमृता जी बताने वाले हैं। प्राइस बताने से पहले हम और एक बार आपको जानकारी देते हैं, थोड़े से ही दूरी पर मतलब आधा किलोमीटर के रेंज में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा, वो भी एक नहीं दो तीन हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे प्राइवेट, वो भी अच्छे फैसिलिटीज के साथ में। और जो वो बोलते हैं ना मेडिकल चेकअप करते हैं, जो टेस्ट करते हैं वैसा, उसको क्या बोलते हैं, वो भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा आसपास में, जिधर ब्लड यूरिन वगैरह सब चेक होता है। तो लैब्स, हाँ हाँ, मेडिकल लैब्स भी आसपास में बहुत सारे हैं। और डॉन बॉस्को स्कूल है, और अपना सेवन स्क्वायर स्कूल है, और अपना ठाकुर स्कूल है, ठीक है, और अपना वेलिंगटनी है, रश्मि इंटरनेशनल स्कूल है, गिरजा मात्र है, बहुत सारे स्कूल्स है यहाँ पर, और गवर्नमेंट स्कूल भी है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपको पास में मिल जाएगा, और बहुत सारा मेडिकल का शॉप है, ठीक है, और किराना का बहुत सारे शॉप है यहाँ पर, डेयरी है, वेजिटेबल आपको मिल जाएगा, और ग्रोसरी जो आपको राशन चाहिए, रिलायंस फ्रेश मॉल यहाँ पर पास में, रिलायंस फ्रेश मैक्सिमम आधा किलोमीटर चल के आप जा सकते हो। तो मतलब हर तरह का जो फैसिलिटी है आप यहाँ पर है, आप जब आओगे और आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको और समझ में आएगा। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन और जो वीडियो हम आपको दिखाए, वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिए, वो सब सिर्फ 30% इन्फॉर्मेशन है, 80% इन्फॉर्मेशन आपको साइट पे मिलेगा दोस्तों। और प्राइस बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ब्रोकरेज लेस प्रॉपर्टी है, मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है, जो प्रॉपर्टी का प्राइस है आपको वही देना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ब्रोकरेज एक रुपया भी नहीं देना है, ना कोई कमीशन देना है, ना कोई फीस देना है। अगर कोई आपसे फीस या ब्रोकरेज या कमीशन मांगता है एक्स्ट्रा पैसा, तो आप ये जो स्क्रीन पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें आप हमको बता सकते हैं, और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो दोस्तों आपको साइट विजिट करने से पहले आपको कॉल करना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है, हम आपका साइट विजिट रजिस्टर करेंगे, और आप फिर रजिस्टर करने के बाद में आपका टाइम बताइए, वो टाइम में हम आपको आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपको सैंपल फ्लैट पूरा दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, और मुझे तो लगता है पसंद आएगा, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम आपको 3 प्रोजेक्ट तक हम आपको दिखा सकते हैं एक दिन में। आप ऐसा टाइम निकाल के आइए कि 3 प्रोजेक्ट देख सके, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि जैसा कस्टमर जैसा कपड़े खरीदने को जाते हैं तो उन लोग चॉइस करते हैं, ऐसा नहीं कि जो दिखा दिया वही ले लिया, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ खरीदने को जाते हैं मार्केट में तो लोग अच्छे से रिसर्च करते हैं और उसको फिर पसंद करते हैं, जो पसंद आया वो लेते हैं। तो हम लोग के हिसाब से फिलहाल ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर फिर भी अगर पसंद नहीं आता तो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट और भी है, तो उसके लिए आप टाइम निकाल के आइए। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो फ्लैट और स्टेशन के इतना नज़दीक। तो मैं जानता हूँ कि आप इसको छोड़कर कुछ और मतलब सोच ही नहीं पाओगे, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका मनी वेस्ट नहीं होगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा सेल्स काउंटर में, ठीक है, प्रॉपर आपको सारी जानकारी मिलेगा, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। और आपका पूरा 90% तक लोन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, 95% भी हो जाता है, यहाँ तक कि 100% भी हो जाता है, वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। तो अभी अमृता जी कुछ बताएंगे इसका प्राइस। तो दोस्तों आप पहला गेस करेंगे प्राइस, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ गेस का प्राइस इसका। ये 2 बेडरूम हॉल किचन है, तो आजकल जो यहाँ पर जो रेंट चालू है फ्लैट का, वो भी स्टेशन से आधा किलोमीटर के अंदर, अभी ये जो प्रोजेक्ट है जस्ट लॉन्च हुआ है, इसके लिए लॉन्च वाला ये प्राइस रखा हुआ है। तो हो सकता है आप वीडियो कई दिनों के बाद देखें, कई महीनों के बाद देखें, तो हो सकता है तभी प्राइस थोड़ा बढ़ गया होगा। फिलहाल मैं जो एक अंदाजा लगा देता हूँ, यहाँ का जो अभी प्राइसिंग चालू है 70 लाख 75 लाख से चालू है 2 बेडरूम हॉल किचन का, ठीक है, 60 से 70 लाख के बीच में है, ठीक है। तो आप गेस कीजिए कितना होगा, 70 लाख 60 लाख अपना क्या बोलते हैं उसको 55 लाख तो दोस्तों स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पे 2 BHK का फ्लैट आपको 55 लाख में मिल रहा है दोस्तों। 55 लाख रुपए में ये फ्लैट मिल रहा है, वो भी ये आस्किंग और कोटिंग प्राइस है, ठीक है, और ये नेगोशिएबल भी है। अगर पहला आपको देखो प्रॉपर्टी पसंद आना चाहिए, प्रॉपर्टी पसंद आ गया तो फिर पैसे का बात करेंगे, क्योंकि पसंद भी तो आना चाहिए ना। फिर अगर फिर पैसा बहुत है या बहुत कम है, या तो फिर पसंद ही नहीं आया तो फिर फायदा क्या बात करके। पसंद आएगा सूरज जी। हाँ, तो प्रॉपर्टी
पसंद आएगा, पहले आप आइए, अपने फैमिली को लेके आइए, अपने वाइफ को लेके आइए, बच्चों को लेके आइए, अपने माता पिता को लेके आइए और ये प्रॉपर्टी उनको दिखाइए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में 35+ एमिनिटीज़ है, ठीक है, जो भी है सारे बेसिक एमिनिटीज़ है। बड़ा बड़ा जैसा स्विमिंग पूल क्लब हाउस नहीं दिया है। इसका रीज़न ये है कि इससे क्या होता है, थोड़े मेंटेनेंस फ्यूचर में जो आपका मेंटेनेंस रहेगा वो एकदम कम रहेगा, लोएस्ट रहेगा। तो बहुत अच्छा और प्रीमियम प्रॉपर्टी है, हम आपको रोड में भी दिखा सकते थे। इसके सामने यहाँ पर 40 फुट से बड़ा रोड है और ये रोड टच प्रॉपर्टी है। शेयरिंग रिक्शा से उतरा सीधा अपने घर पे, बस से उतरा सीधा अपने घर पे, ठीक है। सिर्फ 10 कदम 15 कदम चलोगे तो आपका ये जो है अपार्टमेंट आ जाएगा। और अगर इनकेस कभी प्रॉब्लम रहा, समझो शेयरिंग रिक्शा से नहीं आपको चल के ही आना है, तो आपको फैट बर्न करना है तो आप चल के भी आ सकते हो। तो दोस्तों अमृता जी ने प्राइस बताया है, तो जल्दी से जल्दी आइए, आ जाइए और यहाँ पे आके अपना रूम लीजिए आके 2 BHK का, साथ में मेरे को 1 BHK का भी फ्लैट है वो भी आप देखिए। अगर आपके पास टाइम है ज्यादा तो हम लोग आपको और भी दिखाएंगे। जी हमारे तरफ से आपके माता पिता को नमस्कार बोलना, अपने मतलब फैमिली मेंबर को नमस्कार बोलना, अपने बच्चों को नमस्कार बोलना और जरूर आइए दोस्तों, ठीक है। अभी हमें परमिशन दीजिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र, टेक केयर, बाय बाय।